बिग बॉस ओटीटी 2 के सदस्य अविनाश सचदेव ने एल्विस यादव पर तंज कसा है। दरअसल एल्विस यादव पर रेव पार्टी का आयोजन और उसमें सांप के जहर से बने नशे का व्यापार करने का आरोप है। मंगलवार के दिन पुलिस के 3 अधिकारियों ने उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। एक तरफ पुलिस जांच में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ एल्विस अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। बहरहाल यहाँ हम एल्विस पर लगे इल्जाम की नहीं अविनाश सचदेव के कॉमेंट की जानकारी दे रहे हैं। टेली मसाला को दिए इंटरव्यू में अविनाश सचदेव ने कहा, मैं क्या बोलूं यार, एक वक्त था जब एल्विस के फैंस मुझे ट्रोल करते थे, अब देखो वक्त ऐसा पलटा कि खुद एल्विस ट्रोल होने लगा। वह उसके खुद के कर्म है, मुझे नहीं पता कि वह क्या करता है और क्या नहीं, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, अच्छा नहीं लगता ये सब। अविनाश ने आगे कहा, न्यूज में एल्विस के बारे में ऐसी खबरें आना बिल्कुल आश्चर्यजनक है। हम उस बंदे के साथ 2-3 सप्ताह रहे हैं, जब कोई उस पर ऐसे इल्जाम लगाता है तब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं उसके साथ बिग बॉस के घर में था तब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वह ऐसा इंसान है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये मुझे नहीं पता। एल्विस ने ट्विटर पर लिखा था, नाम के साथ बदनामी भी आती है, जलने वाले भी जलते हैं, मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर आने वाले समय में मुझ पर और भी इल्जाम लगेंगे, श्रीराम पे पूरा भरोसा है ये टाइम भी जल्दी बीतेगा। अविनाश के इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।